हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, आ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है BPPV, यानी कि बिनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। ये एक तरीके का वर्टिगो का टाइप होता है। वर्टिगो क्या होता है? कि अचानक से चक्कर आना, सर घूमना, जब भी आप हेड का मूवमेंट करें तब आपका अचानक से सर घूमना, सर चकराने जैसा होना, ठीक है, या फिर एकदम से आप जब उठे तो घूमने जैसा लगना, बार बार चक्कर आना, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है कि BPPV, यानी कि बिनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो की, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि BPPV क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। अब हम अपने टॉपिक से बढ़ने से पहले, बीपीवी के टॉपिक में बढ़ने से पहले, हम बात कर लेते हैं हमारे ईयर के बारे में, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमारा बैलेंस ही जाता है, हमारा जो बैलेंस होता है वो जाता है BPPV में। और जो हमारा बैलेंस होता है वो हमारा ईयर जो होता है उसमें बैलेंस संभलता है, ठीक है। जो इसमें हमारे ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो ही हमारे जो बैलेंस है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसका मैनेजमेंट करता है। तो अगर हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में डिसफंक्शन हो जाता है या किसी कारणवश वेस्टिबुलर सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, जो कि हमारे कान में रहता है, तो उस कंडीशन में हमें BPPV, बिनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे ईयर क्या होते हैं। हमारे जो ईयर होते हैं, जो कान होते हैं, दो पेयर में होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ठीक है। ये वो ऑर्गन होता है जो सुनने में और बैलेंस में हमारी मदद करता है, ठीक है, जो हमारे सुनने में मदद करता है और साथ में हमारे बॉडी के बैलेंस में भी मदद करता है, ठीक है। अब इसमें हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला, इसके जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं। पहला एक्सटर्नल या आउटर ईयर। तो जो हमारा एक्सटर्नल या आउटर ईयर होता है उसमें हमारा सबसे पहला आता है पिन्ना या ऑरिकल। ये सबसे बाहर का जो पार्ट होता है ईयर का उसे हम कहते हैं पिन्ना या ऑरिकल। ये देखिए, ये हमारे बाहर का ईयर होता है, ठीक है। सबसे बाहर पार्ट को हम कहते हैं पिन्ना, जो मुलायम सॉफ्ट पार्ट होता है पिन्ना उसे हम कहते हैं या ऑरिकल कहते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ट्यूब। ये जो कैनाल और जो ट्यूब है ये कनेक्ट करती है हमारे कान को आउटर से मिडिल ईयर तक। तीन पार्ट होते हैं, एक आउटर, मिडिल और इनर। तो आउटर से इनर को जो कनेक्ट करने वाला ट्यूब या कैनाल होती है उसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये जो कैनाल आप देख रहे हैं जो आउटर से मिडिल ईयर में जा रही है, ये इसे हम कहते हैं हमारा कैनाल का, हमारा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ट्यूब। फिर आता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है इसे हम ईयर ड्रम या कान का पर्दा भी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे एक्सटर्नल ईयर से लेके मिडिल ईयर तक होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में जो पर्दा होता है उसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहते हैं। ये देखिए आप हमारे आउटर ईयर के पार्ट्स, ये जो मुलायम सा पार्ट होता है इसे हम हेलिक्स कहते हैं। ये जो यहाँ पे पियर्सिंग होती है वो ईयर लोब होता है, ऑरिकल लोब कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम हेलिक्स कहते हैं। जो ये छोटा सा कर्व होती है यहाँ हड्डी उसे हम स्कैपा कहते हैं।
एक जो छोटा सा फोसा होता है या एक गड्ढा टाइप का जो होता है उसे हम ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं। फिर इसके ट्रायंगुलर फोसा के नीचे से पतली सी हड्डी निकली हुई होती है जिसे हम कहते हैं एंथेलिक्स, और उसके बाद जो एक हमारा गहरा जो पार्ट होता है उसे कॉका कहते हैं। ठीक है, टेम्पोरल बोन जो होती है वो पास नहीं होती है हमारे ईयर के, जो जो कैनाल होती है हमारी एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस जो ईयर कैनाल होती है उसके दोनों तरफ कार्टिलेज रहता है, ब्लू कलर का जो है इसका कार्टिलेज होता है, यहाँ पे टेम्पोरल मसल्स भी रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटर ईयर हुआ जिसमें जो बाहर का एरिया है वो ईयर लोब, ऊपर वाला हिस्सा हेलिक्स, और साथ में वहां पे टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल मसल्स होती है, जो ईयर कैनाल है उसमें दोनों तरफ कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब आता है हमारा मिडिल ईयर यानी कि टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी में ऑसिकल्स होते हैं जिसमें तीन बोन होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं और साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करती हैं अंदर वाले ईयर में, इनर ईयर्स में। ठीक है, ये जो तीन बोन होती हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं हमारे साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए, इसलिए मिडिल ईयर हमारे बॉडी में सुन हियरिंग के लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है। ठीक है, मिडिल ईयर जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, यहाँ पे क्या तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं और साथ ही साथ साउंड की वेव्स को ट्रांसमिट करती हैं हमारे इनर ईयर तक। अब ये बोन्स होती हैं मैलियस, इनकस और स्टेपेज, ये हमारी ईयर्स की बोन। ये ईयर ड्रम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारे मिडिल ईयर और आउटर ईयर के बीच में होता है हमारा ईयर ड्रम। इसके बाद से हमारी तीन बोन शुरू हो जाती है, ये तो तीन आपको बोन दिख रही हैं, ये तीन बोन होती हैं मैलियस, इनकस और स्टेपियस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टिम्पैनिक कैविटी होती है और एक स्टेशियन ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है हमारे इनर ईयर को मिडिल ईयर से। ये तीन जो बोन होती हैं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं हमारे में साउंड ट्रांसमिट करने के लिए, हमारी मैलियस, इनकस और स्टेपियस। ठीक है, जो ईयर ड्रम के जस्ट बाद से शुरू होती हैं। फिर आता है अब हमारा इनर ईयर जिसमें क्या रहता है, कॉकलिया, वेस्टिब्यूल्स और सेमी सर्कल कैनाल्स। कॉकलिया क्या करता है, इसमें नर्व्स रहती हैं हियरिंग्स के लिए, वेस्टिब्यूल्स में बैलेंस के रिसेप्टर्स रहते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं बैलेंस के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये जो आपको कैनाल दिख रही है ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, पहली एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल और तीसरी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जिनसे हमारे बॉडी में हियरिंग और बैलेंस बनता है। ठीक है, ये मेन तीन यही जगह है जिसके कारण की वर्टिगो की कंडीशन यानी बीपीपीवी की कंडीशन देखी जाती है। इसके बेस पे, कैनाल के बेस पे एम्पुला होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ एक गोल आकार का एक होल होता है या गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे यूट्रिकल कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारा इसके बाद यहाँ पे वेस्टिब्यूलो कॉकुलर जो नर्व होती है क्रेनियल नर्व वो रहती है, कनेक्ट रहती है हमारे इनर ईयर और ब्रेन के बीच में कनेक्शन बनाती है वेस्टिब्यूलो कॉकुलर नर्व। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे वेस्टिब्यूल डक्ट भी होते हैं, साथ ही साथ हमारे कॉकुलर डक्ट होते हैं, टिम्पैनिक डक्ट होते हैं, ये जो गोल गोल हिस्सा दिख रहा है इसे हम कॉकलिया कहते हैं। ठीक है, कॉकलिया क्या करता है, हियरिंग की नर्व जो होती है वो कॉकलिया में होती है और वेस्टिब्यूल्स में, हमारी वेस्टिब्यूल डक्ट्स में और सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है वो बैलेंस का काम करता है। ठीक है, अब इसमें जो आपको ये पिंक पिंक एरिया दिख रहा है, ये पिंक पिंक एरिया ये बोनी लेब्रिन्थिन होता है। ठीक है, और ये जो ब्लू ब्लू एरिया दिख रहा है ये मैम्ब्रेनस लिम्ब्रेन्थिन होता है।
लैम्ब्रिनथिन जो होता है बीपीवी में काफी रोल निभाता है, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो पिंक वाला एरिया होता है बोनी लैब्रिनथिन, और मैम्ब्रेनस वाला हिस्सा होता है, ब्लू वाला एरिया है हमारा मैम्ब्रेनस लैब्रिनथिन। ठीक है, इनर ईयर ही सबसे बड़ा रीजन होता है जिसमें बीपीपीवी होता है। ठीक है, जो वर्टिगो होता है वो हमारे इनर ईयर में ही होता है, क्योंकि यहीं पे हमारा वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, जो कि क्या काम करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में बैलेंस बनाते हैं और हियरिंग में काम आता है कॉकलिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा ईयर, जिसमें हमारा आउटर ईयर देखा हमने, मिडिल ईयर देखा हमने और इनर ईयर देखा हमने। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इनर ईयर में हमारी तीन सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, इस ईयर को हम, इनर ईयर का जो अंदर वाला पार्ट है, हम इसको अब डीपली समझेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे हमारा क्या होता है, बीपीपीवी होता है, और यही हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम भी है जो कि हमारा बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तीन कैनाल दिख जाएंगी आपको, सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसमें एंटीरियर सेमी सर्कुलर, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर और लेटरल सेमी सर्कुलर। इनके यहाँ पे एंड में, बेस पे छोटे छोटे गोल गोल नॉब्स होंगे, ठीक है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर एंडोलाइफ करके एक फ्लूड होता है, वो फिल होता है सेमी सर्कुलर कैनाल में। फिर इसके बाद एम्पुला के बाद आता है हमारा एक स्ट्रक्चर जिसे हम यूट्रिकल सेक्युला या फिर कंबाइन ही उसको हम ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। ये ऑटोलिथ ऑर्गन जो होता है, इससे हमारी वेस्टिबुलर नर्व कनेक्ट होती है। ये देखिए, वेस्टिबुलर नर्व कनेक्टेड है हर एक कैनाल से, एम्पुला से और हमारे ऑटोलिथ ऑर्गन से, हर एक से हमारी वेस्टिबुलर नर्व जो है वो कनेक्टेड है। यही कनेक्शन बनाती हैं, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो होती हैं, कनेक्शन बनाती हैं हमारे ब्रेन और इनर ईयर के बीच में। यही वो नर्व हैं जो सिग्नल्स लेके जाती हैं बैलेंस का, और लेके आती हैं सिग्नल बैलेंस का। ठीक है, इसके बगल से ही हमारी एक ऑडिटरी नर्व निकली हुई होती है जो कॉक्लिया से अटैच होती है। कॉक्लिया जो होता है, इसमें हमारी हियरिंग नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व कनेक्ट होती है। तो अगर बीपीपीवी की कंडीशन बनती है तो इसमें मोस्टली कॉमनली ये भी देखा जाता है कि इसमें हियरिंग लॉस हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं, वेस्टिबुलर नर्व और ऑडिटरी नर्व जो है वो पास पास हैं। तो डिसफंक्शन जब पास पास के एरिया में होता है तो दोनों फंक्शन ही अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्टिको की। क्योंकि हमारा जो बीपीपीवी है वो वर्टिगो का एक पार्ट है, इसलिए अब हम पहले समझेंगे कि वर्टिगो क्या होता है। तो वर्टिगो क्या होता है, वर्टिगो एक ऐसा सेंसेशन होता है, ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हमें ये लगता है कि हमारा सर चकराने लगा है और हमें अभी फॉल हो जाएगा, हमारा बैलेंस जो है वो अभी चला जाएगा, हम अभी गिर जाएंगे, हमारा सर चकराने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो काम नहीं करता है, वो बैलेंस नहीं बना पाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अभी बेहोश होके गिर जाएंगे, और बहुत अनस्टेबिलिटी लगती है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, या ऐसा लगता है कि बहुत तेज से चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपके आसपास की जो दुनिया है वो चकरा रही है, वो गोल गोल घूम रही है, ऐसा हमें हमारे वर्टिगो की कंडीशन में लगता है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे कि बीपीपीवी के क्या टाइप्स होते हैं, सॉरी वर्टिगो के क्या टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है हमारा बीपीपीवी, यानी कि बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे से कैल्शियम पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कैनालिम्स कहते हैं, वो वहां से उखड़ के अपनी नॉर्मल लोकेशन को छोड़ के
कलेक्ट हो जाते हैं इनर ईयर में। ठीक है, इनर ईयर का काम होता है कि वो सिग्नल्स भेजे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन को कि हमारा हेड का मूवमेंट हो, बॉडी का मूवमेंट हो हमारे ग्रेविटी के अगेंस्ट और हमें बैलेंस मिले। ठीक है, क्या हुआ बीबीटीवी में कि हमारे जो इनर ईयर है वो सेंड करता है सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक कि हमारा हेड और बॉडी का जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जिससे हमारा बैलेंस बने। ठीक है, अगर वहां पे जो छोटे छोटे कैल्शियम पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कैनालिंस कहते हैं वो अपनी नॉर्मल जगह से खिसक के अंदर की तरफ इनर ईयर में आ जाए तब हमें बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो की कंडीशन बन जाती है। तब हमारा जो इनर ईयर है वो ना चाहते हुए भी सिग्नल्स भेजने लगता है ब्रेन को, इसलिए हमें बैठे बैठे या फिर हेड के मूवमेंट में या ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करने पर ही चक्कर आ जाते हैं, सर चकराने लगता है या बेहोशी जैसा लगने लगता है। अब इसका दूसरा टाइप होता है मैनियर्स डिसीज। मैनियर्स डिसीज में क्या होता है, ये भी एक इनर ईयर का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि आपके इनर ईयर में फ्लूड बन जाता है। ठीक है, जिस कारण से आपके ईयर में एक प्रेशर बनने लगता है और हमें एक एपिसोडिक वर्टिगो आने लगते हैं और कान में पूरे टाइम एक रिंगिंग सी साउंड बना रहता है, मतलब कि भिन्न 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 सी या एक रिंगिंग जैसी जी जी आवाज जो होती है कान में पूरे टाइम बनी रहती है या फिर हमारी सुनने की क्षमता भी चली जाती है। मैनियर डिसीज में क्या होता है कि हमारे इनर ईयर में क्या हुआ, फ्लूड जमा हो गया, फ्लूड जो है वो बिल्डअप हो गया, उसने क्या किया चेंज कर दिया प्रेशर में, हमारे इनर ईयर के प्रेशर में चेंजेस ला दिए जिस कारण से हमारे इनर ईयर में जो सिग्नल भेजने थे ब्रेन को वो हमारे ग्रेविटी के रिलेशन में नहीं भेजे, ग्रेविटी के अगेंस्ट भेजना शुरू कर दिए जिस कारण से हमें वर्टिगो के एपिसोड्स आने लगे, साथ में हमारे कान में एक रिंगिंग से साउंड होने लगा और साथ ही में हमारा हियरिंग लॉस भी हो गया। अब आता है हमारा तीसरा टाइप वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या लैबिरिंथाइटिस। ये भी इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है, यूजुअली इसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण ये होती है। हमारा न्यूराइटिस और लैबिरिंथाइटिस की कंडीशन में हमारे इनर ईयर में इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन क्या करता है, इनर ईयर में हमारा इंफ्लामेशन कॉज करता है और नर्व्स में भी इंफ्लामेशन कॉज करता है। ठीक है, तो अगर हमारे इनर ईयर या आसपास उसके अराउंड जो नर्व्स हैं, हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है, अगर उसमें इंफ्लामेशन हो गया तो वो तो हमारे बॉडी को बैलेंस करने में उसके सेंसेस में मदद कर रही है, बॉडी हमारी बैलेंस रहे उसमें हमारी मदद कर रही है। पर अगर वहां पे इंफ्लामेशन के साइन आ गए यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग, दर्द, तो क्या हुआ, हमें वर्टिगो की कंडीशन बनने लगी, हमें चक्कर जैसा होने लगा, सर चकराने जैसा होने लगा। उस कंडीशन में जब वायरल इन्फेक्शन के कारण इंफ्लामेशन होता है हमारे कान में या कान की नर्व में, तब उसे कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या लैबिरिंथाइटिस। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बीपीपीवी के बारे में कि हमारा बीपीपीवी कैसे होता है, हमारा कान में कैसे होता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे और इसका क्या फुल फॉर्म है, क्या मतलब है, हम इन सब के बारे में अब बात करेंगे। तो बीपीपीवी जो है एक स्पेसिफिक टाइप का वर्टिको होता है
जिसमें जब हम अपने हेड की पोजीशन को चेंज करते हैं ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में, तो हमारा बैलेंस चला जाता है या सर चकराने लगता है। ये जो डिसऑर्डर है मेनली कॉज होता है क्योंकि हमारे इनर ईयर में अगर दिक्कत है तो। और इनर ईयर की दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि अगर क्योंकि उसमें हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, तो अगर इनर ईयर में दिक्कत होती है तो हमारे पोजिशनल भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो बीपी वीवे में अगर हमें हमारे इनर ईयर में दिक्कत है तो जब भी हम हमारी हेड की पोजीशन को चेंज करेंगे ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में, तो हमें चक्कर आएगा और हमारा सिर जो है वो चकराएगा। तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि हमें रिपीटेड एपिसोड्स आते हैं पोजिशनल वर्टिगो के। ठीक है, और एक चक्कर जैसा सेंसेशन आता है जैसे ही हम अपने हेड की पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, एपिसोड मतलब कि थोड़े थोड़े से एपिसोड्स, कुछ सेकंड्स के, कुछ मिनट्स के, ऐसे एपिसोड्स होते हैं हमारे वर्टिको के, और साथ ही में वो सेंसेशन लेके आते हैं कि जैसे कि चक्कर आ रहा है उनकी हेड की पोजीशन चेंज करने पर। ठीक है, अब हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो मॉनिटर करता है हमारे मोशंस को, हमारे बॉडी के मूवमेंट को, हमारे हेड की पोजीशन को, किसकी रिस्पेक्ट में, स्पेस की रिस्पेक्ट में। ठीक है, और साथ ही साथ किस एक्सिलरेशन के फोर्स में, एंगुलर एक्सिलरेशन और लीनियर एक्सिलरेशन, यानी कि एंगुलर वाले जो होते हैं कोणीय होते हैं, लीनियर वाले स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं। तो इन दो एक्सिलरेशन की रिस्पेक्ट में हमारे बॉडी का मोशन होता है, हमारे हेड का जो है वो पोजीशन होता है स्पेस की रिस्पेक्ट में। इसका जो मॉनिटरिंग है, इसका जो कंट्रोलिंग है, वो काम हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम करता है। ठीक है, तो हमारे इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, जो कि कैसी एंगुलर एक्सिलरेशन में पोजीशंस रहती हैं। ठीक है, हर एक हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो राइट एंगल में रहती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये देखिए, हर एक जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एक राइट एंगल में है तीनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पोस्टीरियर कैनाल, सुपीरियर कैनाल, हॉरिजॉन्टल कैनाल। ठीक है, ये तीनों जो है ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ राइट एंगल में पोजीशंस रहती हैं एंगुलर एक्सिलरेशन के डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और हर एक कैनाल में एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उसके बेस पे एक छोटा सा राउंड शेप का स्वेल्ड एरिया होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कैनाल है इसके अंदर एंडोलिफ करके फ्लूड भरा हुआ होता है, और ये इसके बेस पे जो एक स्वेलिंग जो स्वेल्ड एरिया दिख रहा है ये इसे हम एम्पुला कहते हैं। ओके, फिर ये जो एम्पुला होता है ये कंटेन करके रखता है ट्यूबुला को। ठीक है, ट्यूबुला जो है वो एक जिलेटिनियस मास होता है उसी सेम डेंसिटी के साथ जिस डेंसिटी का हमारा एंडोलिप होता है। एंडोलिप क्या होता है, हमारे कानों में जो कैनाल है उसके अंदर का फ्लूड। तो हमारे एम्पुला के अंदर ट्यूबुला होता है जो एक जिलेटिनस जैसा मास होता है सेम डेंसिटी का जैसा कि एंडोलिप हो, जो कि बाद में जाके किससे अटैच हो जाता है, टर्न होके हमारे कान के अंदर जो बाल हैं उनसे पोलराइज्ड हेयर सेल से अटैच हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एम्पुला के अंदर ट्यूपुला फ्लूड भरा होता है। ये हमारे हेयर्स हैं, नर्व फाइबर से हमारे निकले हेयर सेल्स हैं ये। ठीक है, और ये हमारे स्टीरियो सीलियास हैं, हेयर्स के आगे वाला पार्ट स्टीरियो सीलियास, जो
फिर जब हमारा एम्पुला का मूवमेंट होता है तभी हमारे क्यूपुला का भी मूवमेंट होता है, क्योंकि क्यूपुला क्या होता है, हमारे एम्पुला के अंदर का भरा हुआ फ्लूड है। तो अगर हमारा बैलेंस चेंज होता है तो हमारे ईयर के अंदर की जो कैनाल है वो उनका भी चेंज होता है मूवमेंट, बट वो राइट एंगल में रहते हैं, इसलिए एसिलरेशन जो होता है एंगुलर मूवमेंट एसिलरेशन में वो बैलेंस बना के हमारा रखते हैं। एम्पुला के नीचे का हिस्सा क्यूपुला, जिसमें भरा हुआ था हमारा एम्पुला के अंदर भरा हुआ था क्यूपुला, तो हमारे मूवमेंट करने पर क्यूपुला का भी मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्यूपुला क्या होता है बाद में जाके अटैच हो जाता है हमारे हेयर सेल से, ठीक है। तो जब हमारे क्यूपुला का मूवमेंट होता है एंडोलिप के साथ, तो साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हमारा स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी कॉज करते हैं, यानी कि हमारा उकसाने वाला मूवमेंट और दबाने वाला जो रिस्पॉन्स होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारे क्यूपुला का मूवमेंट, ठीक है। और ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन पे और हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल पे, ठीक है। हम किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे क्यूपुला को उस मूवमेंट को दबाना है कि उस मूवमेंट को उकसाना है, ठीक है। अब जो हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है वो दोनों साइड के कान में होता है, ठीक है, और वो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में रहता है, जो कि हमारे बॉडी में सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन तक, ठीक है। और हमारा ब्रेन क्या करता है, मैच करता है, ठीक है, कि जो हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में सिग्नल्स भेजा है वो और जो हमारे ब्रेन को डिटेक्ट हुआ है वो मैच करता है, ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है, हेड के मूवमेंट के साथ। हेड के मूवमेंट वेस्टिबुलर सिस्टम का सिग्नल हमारे ब्रेन पे जाता है, ब्रेन उसको मैच करता है और हमारा बैलेंस बनता है। और जो हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस होता है वो हमारे दोनों कानों में रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इनर ईयर में जो हमारा लैब्रिंथ था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, लैब्रिंथ बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इसमें कलेक्ट रहता है हमारे कैल्शियम क्रिस्टल जिसे हम ओटोसोनिया कहते हैं। लैब्रिंथिन जो है उसके अंदर हमारा इनर ईयर में जो लैब्रिंथिन हमने अभी देखा था ब्लू कलर का आपका जो था वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथिन था, पिंक कलर का जो था वो आपका बोनी लैब्रिंथिन था, उसमें क्या रहता है, हमारे कैल्शियम क्रिस्टल्स रहते हैं जिन्हें हम ओटोसोनिया कहते हैं, ठीक है। अब जिन पेशेंट्स को बीपी वीवी होता है उनका जो ओटोसोनिया जो कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं वो उखड़ के अपनी जो यूजुअल पोजीशन है यूट्रिकल्स में रहना, वहां से माइग्रेट होके वो क्या करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के पास चले जाते हैं। माइग्रेट मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो ओटोसोनिया ने क्या किया, अपनी जो पोजीशन थी कि उसको रहना था यूट्रिकल के अंदर, पर वो वहां से उखड़ के चले गए, माइग्रेट हो गए हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल में। स्पेशली जो हमारी पोस्टीरियर कैनाल होती है वो ज्यादातर अफेक्ट होती है। हमारे जो ये डिसलोज्ड होते हैं क्रिस्टल जिसे ओटोसोनिया कहते हैं वो ज्यादातर हमारी पोस्टीरियर कैनाल से जाके ही चिपकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही हमारे हेड का मूवमेंट चेंज होता है, हमारे हेड की जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है ग्रेविटी के रिलेशन में, तो ये जो हमारे ग्रेविटी डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं ये ओटोसोनियल डेब्रिस को भारी कर देते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल के पास आके चिपक गए हैं। तो जैसे ही हमारे मूवमेंट चेंज हुए हेड के ग्रेविटी के रिलेशन में, तो ये तो ग्रेविटी डिपेंडेंट होते हैं ऑटोसोनिया, तो ये भारी हो जाते हैं
हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के पास। तो अगर ये भारी हो गए तो ये क्या करते हैं, अफेक्ट करने लगते हैं हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल को, और एक अबनॉर्मल फ्लूड जो होता है वो हमारे एंडोलिप, जो अबनॉर्मल फ्लूड होता है वो डिस्प्लेस्ड होके अफेक्ट करता है हमारे ईयर को। अगर हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल अफेक्ट हुआ तो उसके अंदर जो फ्लूड है, एंडोलिप फ्लूड है, वो भी डिस्प्लेसमेंट में होने लगेगा और अफेक्ट करेगा हमारे ईयर को। फ्लूड का जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसने सिग्नल भेजा हमारे ब्रेन को, ब्रेन ने इंडिकेट किया कि रोटेशनल मूवमेंट करना है, और फिर हमें चक्कर आने लगे। मतलब कि सारी कहानी का जो मेन हमारा जो कंक्लूजन है वो है हमारे ओटोसोनिया। ओटोसोनिया कैल्शियम क्रिस्टल अगर सेमी सर्कुलर कैनाल के पास आके चिपक जाएंगे तो वो हेड के मूवमेंट होने पर ग्रेविटी के साथ और भारी हो जाएंगे, जिस कारण से जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूड भरा है एंडोलिप्स, वो डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट का जो फ्लूड है वो वेस्टिब्लोकॉकलर नर्व के थ्रू सिग्नल्स भेजेगा ब्रेन को और इंडिकेट करेगा कि रोटेशनल मूवमेंट करें। इसी कारण से हेड की पोजीशन चेंज करने पर भी हमें चक्कर आते हैं बीपीवी की कंडीशन में। ये देखिए, ये हमारे तीन कैनाल हैं। जो हमारे ये ऑटोसोनिया थे, इनका काम था कि इन्हें यूट्रिकल्स में रहना है, पर ये डिस्प्लेस्ड होके कहाँ आ गए, हमारे कैनाल के पास क्यूपुला में भर गए। क्यूपुला में भरने के कारण क्यूपुला और सेमी सर्कुलर कैनाल का जो फ्लूड है एंडोलिप, ये दोनों सेम मैट्रिक्स के हैं, तो इनमें जैसे ही मूवमेंट चेंज होगा हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमारे मूवमेंट में चेंज हो रहे हैं, तो हेड की पोजीशन के साथ ही मूवमेंट चेंज होगा और हमें चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, हमारे ओटोसोनिया जो थे कैल्शियम क्रिस्टल, उन्हें यूट्रिकल्स में रहना था पर वो किसी कारण से हमारे क्यूपुला में आके रहने लगते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे बैलेंस को। अब जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है अनअफेक्टेड साइड का, वो ये सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो लॉस ही नहीं हुआ है ऑटोसोनियल का कि वो ट्रिगर करें आपके हेयर सेल्स को अब नॉर्मली, कि वो मूवमेंट भेजे वहां पे ब्रेन पे। तो अनअफेक्टेड साइड के जो हमारा ईयर होता है वो सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं करता है, वो ये सिग्नल्स नहीं भेजता है। जिस जगह पे हमारा अफेक्टेड ईयर है, जिस जगह पे क्रिस्टल जमा हो गए हैं हमारे कैल्शियम क्रिस्टल, वो ही ईयर से सिग्नल्स भेजता है। इसीलिए हमेशा अपोजिट मूवमेंट करने पर ही चक्कर आने की कंडीशन बनती है, क्योंकि एक ईयर हमारा जो होता है वो सही होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अब क्या होता है, दोनों वेस्टिबुलर सिस्टम दोनों कान में है, एक सिग्नल भेज रहा है एक नहीं सिग्नल भेज रहा है, तो क्या हुआ, सिस्टम में मिसमैच हुआ। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो वेस्टिबुलर सिस्टम था उसके सेंसेशन में मिसमैच हुआ। इस मिसमैच की कंडीशन को हम कहते हैं कैनालीथियासिस, कैनालीथियासिस। ठीक है, एक कान जो है वो सही है, एक कान जो है वो खराब है, तो उसने जो ब्रेन को सिग्नल भेजे वो मिसमैच हो गए। इस मिसमैच का जो सेंसेशन होता है इस कंडीशन को ही कहते हैं कैनालीथियासिस। ठीक है, अब जो हमारा वर्टिगो होता है वो एसोसिएट करता है क्या, शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशन के साथ। ठीक है, अगर हमारे पर्सन की ऐसी कंडीशन है कि उसको वर्टिगो है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशन के साथ भी हमारा जो वर्टिगो है वो एसोसिएट करता है। पर्सन जब इस कंडीशन में स्टे करता है, और वो कंडीशन सिर्फ प्रवोक्ड होती है पोजीशन के साथ, क्योंकि एंडोलिक और ओटेसिया जो है वो बहुत क्विकली मूव करते हैं, फिर वापस से रेस्ट करने लगते हैं, इसी कारण से ये जो कंडीशन है ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बनी रहती है।
एपिसोडिक रहती है, ठीक है। तो जब हमारा ये जो एंडोलिप और ऑटोफिया है जब ये मूव करते हैं तो ये ट्रिगर करते हैं हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को, बट फिर वापस से रेस्ट भी करने लगते हैं हमारे हेयर सेल्स के पास। इसीलिए हमारा जो वर्टिगो का जो बीपीवी की कंडीशन है वो एपिसोडिक होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। अब हमारा जो कैलिथियासिस है वो कुछ ऐसा होता है कि एम्पुला के पास ये जो क्रिस्टल जमा हो गए हैं ये हो गया हमारा कैलिथियासिस, ठीक है। अब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के जो लुपुला है उसमें अधेशन क्रिएट करने लगते हैं, जिस कारण से वो और हैवी होने लगता है। तो जैसे ही हेड के मूवमेंट में चेंजेस आते हैं ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में तो क्यूपुला बहुत ज्यादा भारी हो जाता है नीचे की तरफ से, ठीक है। और ये जो डेंस पार्टिकल्स है इन्हीं कारण से वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। तो हमारा इमीडिएट और एक्साइटेशन को जो मेंटेनेंस है सेमी सर्कुलर कैनाल में जो एफरेंट नर्व लेके जाती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्यूपोलोथियासिस। क्यूपोलोथियासिस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो क्रिस्टल होते हैं वो खुद ही सेमी सर्कुलर कैनाल को अधेयर करने लगते हैं, ठीक है। और इस कारण से वो बहुत भारी हो जाते हैं ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में, और वो जो इमीडिएट हमारा एपिसोड होता है वो इमीडिएट हमारा रिस्पॉन्स नहीं लेता है, थोड़ा टाइम से एपिसोड जो होता है वो लंबा चला जाता है और सेमी सर्कुलर कैनाल का जो एक्साइटेशन होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्यूपुलोथियासिस, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो वर्टिगोसिएट हुआ है वो जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है अंटिल एंड अनलेस आप अपने हेड का मूवमेंट जो है उसको वापस से रेस्ट की पोजीशन पे ना लाए तो, ठीक है। अब जो अडियर्ड ऑटोसिया होता है वो कंटिन्यू डिस्प्लेस में रहता है हेयर सेल्स के पास और ट्रिगर करता रहता है हमारे मूवमेंट को और सिग्नल भेजता रहता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो क्यूपुलोथियासिस की कंडीशन में जो हमारा हेड मूवमेंट जब तक वापस से उसकी रिटर्न पोजिशन में ना आ जाए और हमारे हेयर सेल्स के पास जो ऑटोसोनिया जो डिपॉजिट हो गया है वो रेस्ट पे ना आ जाए तब तक कि वो चक्कर जैसा जो हमारा सेंसेशन है जो बेहोशी जैसा जो सेंसेशन है वो बना रहता है, ठीक है। बट ये रेयर केस में होता है। तो बीपीवीवी में भी दो कंडीशन होती है, हमारी पहली होती है कैनेलाथियासिस और दूसरी होती है क्यूपुलोथियासिस, ठीक है। पहले क्रिस्टल कहाँ जमा हुए, हमारे एम्पुला के पास में। दूसरे में हमारे क्रिस्टल कहाँ जमा हुए, हमारे क्यूपुला के अंदर, ठीक है। कैनेलाथियासिस में हमारे एम्पुला के बाहर क्रिस्टल जमा हो गए और क्यूपुलोथियासिस में हमारे क्यूपुला के पास ही हमारे जो क्रिस्टल है वो जमा हो गए जो कि हेयर सेल से चिपक जाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ मूवमेंट है जो कि ट्रिगर करते हैं हमारे वर्टिगो को, स्टिमुलेट करते हैं पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल को। हमारा पहला मूवमेंट है टिल्टिंग हेड। अगर हम हेड को इस तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल घुमाने जैसी डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम जो वर्टिगो की कंडीशन है वो ट्रिगर होती है। अगर बेड पे हम इस तरीके से रोल होते हैं तो भी हमारी जो कंडीशन है वो ट्रिगर होती है। अगर हम आंखें उठा के इस तरीके से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, रोल करते हैं आंखें ऊपर की तरफ, तब भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रिगर होती है। सडन हम हेड का मोशन करने लगते हैं तो भी हमारी कंडीशन जो होती है वो ट्रिगर होती है। अब जो बीपीपीवी होता है वो कई कारणों से जो होता है बढ़ सकता है या खराब हो सकता है,
ठीक है, बीपी भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण से वो वर्स्ट कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं अब हम वो देखते हैं। तो पहला आता है हमारा चेंज होना बैरोमेट्रिक प्रेशर में, यानी कि ऑटमोस्फेरिक प्रेशर में। अगर हमारे आसपास का प्रेशर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो बीपीपीवी के पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत हैवी रेन के एरिया में रहते हैं, जहाँ बहुत बारिश होती है या बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, अगर वहां के लोगों को बीपीवी की कंडीशन होती है तो वो वर्स हो जाती है इन सीजन्स में, अगर ठीक से सो नहीं पाते हैं तो। जो लोग बीपीवी की कंडीशन है जिन्हें, और साथ में अगर वो ठीक से सो नहीं पाते हैं तो वो कंडीशन को और बढ़ा देता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपकी जो बीपीवी की कंडीशन है वो भी बढ़ जाती है। अब बीपीवी मतलब क्या होता है? बीपीवी मतलब बिनाइन, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि ये जानलेवा नहीं है। पैरोक्सिमल यानी कि ये अचानक से आती है और इसमें बहुत चकराने जैसा हमें लगता है। पोजिशनल यानी कि सर्टन कुछ हेड मूवमेंट, हेड पोजिशन ही इसको ट्रिगर करती है। वर्टिगो यानी कि एक ऐसा सेंसेशन कि अगर मैं रोटेशनल मूवमेंट करूंगी हेड का तो मैं गिर जाऊंगी या बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है, तो बीपीवी जानलेवा नहीं होती है, ठीक है, अचानक से होती है और इसमें सिर्फ चकराने जैसा लगता है। ये ट्रिगर होती है अगर हेड की पोजीशन या मूवमेंट में चेंजेस आए तो, और एक ऐसा सेंसेशन लाती है कि अगर रोटेशन चेंज किया हेड का या मूवमेंट चेंज किया तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे या फिर बेहोश भी हो जाएंगे। अब ये जो हमारा बीपीपीवी है ये बहुत कॉमन कॉज होता है वर्टिगो का। इसमें क्या होता है, ये एक तो फुली अंडरस्टूड नहीं है, इडियोपैथिक होता है ये। ठीक है, बीपीवी में जो ऑटोसियो है, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं, वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और इनर ईयर में जाके हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के फ्लूड के पास जमा हो जाते हैं, फिल्ड हो जाते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट। जैसे ही आप अपने हेड की पोजीशन को चेंज करेंगे वैसे ही बीपीपीवी जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। जो हमारी पोस्टीरियर कैनाल होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, सुपीरियर और हॉरिजॉन्टल कैनाल भी अफेक्ट होती है, पर कॉमनली ये जो होती है हमारे पोस्टीरियर कैनाल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारी सुपीरियर कैनाल होती है उसे हम एंटीरियर कैनाल भी कहते हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल होती है उसे हम लेटरल कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी तीन कैनाल हुई जिसमें से सबसे ज्यादा पोस्टीरियर कैनाल हमारी अफेक्ट होती है, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल यानी कि एंटीरियर कैनाल, और हॉरिजॉन्टल कैनाल यानी कि लेटरल कैनाल थोड़ी कम अफेक्ट होती है। ठीक है, अब जो हमारा पेरिफेरल वेस्टिबुलर लैब्रिंथ है वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को कंटेन करता है। किस फॉर्म में? हेयर्स के फॉर्म में। जो हमारे कान के अंदर हमें हेयर्स दिखते हैं वो जो होते हैं हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को लिए हुए होते हैं। ठीक है, इन तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में हमारे ईयर्स के ऑटोलिथिक ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं मूवमेंट के साथ, सिग्नल्स को भेजते हैं हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि 8th क्रेनियल नर्व है उसको उसके थ्रू भेजते हैं ब्रेन में। ठीक है, विजुअल परसेप्शन जो होता है जैसे कि ग्रेविटी, पोजीशन, मूवमेंट, इन सब के सिग्नल्स को भी रिसीव करते हैं हमारे सोमेटो सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि पेरिफेरल वेस्टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है,
जो हमारे पेरिफेरल वेस्टिब्यूल लैब्रिन्थिन होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स लेके रखते हैं उनके हेयर सेल्स में, जो कि हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल के पास होता है। ये रिस्पॉन्ड करते हैं मूवमेंट के साथ, सिग्नल्स भेजते हैं क्रेनी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को, विजुअल परसेप्शन भी भेजते हैं जैसे कि ग्रेविटी का, पोजीशन का, मूवमेंट का, ठीक है, और रिसीव करते हैं सिग्नल्स को कहाँ से, सोमेटो सेंसरी रिसेप्टर से जो कि हमारे पेरिफेरल वेस्टिब्यूल्स में रहते हैं। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होता है ऑटोसोमिया का, तो जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल में होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारा डेलीकेटेड फीडबैक होता है उसको भेजते हैं कहाँ, ब्रेन में, और इस कारण से हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि उसके बैलेंस में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ फ्लूड का, तो उसने ब्रेन को सिग्नल भेजा और सर चकराने जैसा हमें महसूस हुआ। बीपीपी भी दो भागों में रहता है, इसके दो क्लासिफिकेशन है, क्यूपोलो लिथियासिस और केनालिस्थियासिस। क्यूपोलो लिथियासिस में क्या होता है, ऑटोसिया जो होता है हमारे क्यूपोला के पास रहने लगता है, वही केनालिथियासिस में जो ऑटोसोनिया होता है वो फ्री फ्लोटिंग हो जाता है पूरी केनाल में, यानी कि सेमी सर्कुलर केनाल में वो कहीं पे भी जमा हो सकता है, पूरी केनाल में बहता रहता है। अब इसी के साथ निस्टैग्मस के पेशेंट्स में ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। निस्टैग्मस होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना आइज का, आइज का बार बार ऊपर नीचे होना, दाएं बाएं होना, बंद होना खुलना और ब्लर विजन होना, तो ये सब होता है निस्टैग्मस। इन पेशेंट्स में निस्टैग्मस भी देखने को मिलता है। निस्टैग्मस दो टाइप का होता है, जियोट्रॉपिक और एपोजियोट्रॉपिक। तो जो हमारा जियोट्रॉपिक होता है उसमें हॉरिजॉन्टल बीट होती है ग्राउंड्स के टूवर्ड्स। ओपोजियोट्रॉपिक में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो बीट्स होती हैं सीलिंग्स के टूवर्ड होती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल बीट्स, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल बीट्स हमारी होती हैं आईज में, यानी कि बार बार आंखों का क्या होना, दाएं बाएं होना, दाएं बाएं होना, ठीक है, ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे होना। तो जियोट्रॉपिक में जो हमारी बीट्स होती हैं ग्राउंड्स की तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं होती हैं। ओपोजियोट्रॉपिक में क्या होता है, ये जो बीट्स होती हैं आईज की वो ऊपर छत की तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस की, कि क्या कारण है जिससे बीपीपीवी होता है। वैसे तो इसका जो कॉज है वो इडियोपैथिक है, अननोन कॉज होता है, ठीक है, बट ऐसा कहा गया है कि जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है इनर ईयर का, वो एज के साथ साथ डीजनरेटिव चेंजेस में आ जाता है, ठीक है, जिस कारण से जो हमारा कान का डीजनरेशन होने के कारण से बीपीवीवी होता है। अंडर 50 की एज में हेड इंजरी के कारण ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या वेस्टिबुलर वायरसेस इंफेक्शन हो गया हो या मेन्यूवियर डिसीज हो गई हो, ठीक है। 50 के ऊपर अगर होता है तो वो एक डीजनरेटिव चेंज होता है, और इससे कम उम्र में होता है तो या तो उन्हें मेन्यूवियर डिसीज हो गई हो या फिर वेस्टिबुलर वायरसेस इंफेक्शन हुआ हो, ठीक है। बीपीवी कभी कभार किसी सर्जरी के कारण भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपको ट्रॉमा हो गया हो, फॉल हो गया हो, आप या तो पैरालिसिस हो गया हो, तो आपकी पोजीशन अगर बहुत लंबे टाइम तक एक सीधी पोजीशन में रहे हैं आप, सुपाइन पोजीशन में बेड रिडन रहे हैं आप, आपका पैरालिसिस की कंडीशन में, स्ट्रोक की कंडीशन में, एजिंग कंडीशन में, या कोई भी और कंडीशन में, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में रहे हैं, तो हमारे इनर ईयर में ट्रॉमा हो जाता है। ये इनर ईयर में ट्रॉमा होने के कारण भी हमें बीपीपीवी की कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है।
अब इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि फीमेल्स एंड फीमेल्स में भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हाइपर टेंशन की कंडीशन हो तो, हाइपर टेंशन की कंडीशन होना यानी कि हमारी जो आर्टरीज की वॉल होती है उसके अगेंस्ट बहुत तेजी से ब्लड का फोर्स लगना, जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर है उसका बढ़ना। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ना क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड का फोर्स है वो हमारी आर्टरीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। हाई बीपी जिसे कहते हैं उसका मतलब होता है हाइपर टेंशन। अब आता है हमारा हाइपर लिपिडेमिया। हाइपर लिपिडेमिया मतलब होता है कि हमारे ब्लड में फैट बहुत ज्यादा हो तो, फैट डिपोजिशन अगर बहुत ज्यादा है हमारे ब्लड में तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिस कारण से हाई बीपी की कंडीशन भी होती है। इस कारण से आपको रिस्क होता है कि आपको बीपी भी हो सकता है, कोई सेरिब्रो वेस्कुलर डिसीज हुई तो। फीमेल्स में मीनोपोज के बाद भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, इसलिए मीनोपोज भी एक रिस्क फैक्टर होता है फीमेल्स में। अगर किसी तरीके की कोई एलर्जी हुई आपको तो एलर्जी के कारण भी ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। अगर माइग्रेन की दिक्कत है, माइग्रेन क्या होता है, हमारा जो हेड होता है वो पूरा हेड नहीं रुकता, कुछ पर्टिकुलर भागों में दिखता है, पर्टिकुलर भागों में दुखता है। ठीक है, माइग्रेन की कंडीशन होती है कि आपका जो हेड है वो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ अलग अलग अपने हेड के एरिया में दुखेगा, और उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी भी हो जाती है लाइट को लेके, साउंड को लेके। ठीक है, तो माइग्रेन जो होता है या तो आपका हाफ सर दुखता है या सिर्फ फ्रंट साइड का सर दुखता है, या फिर नाक के तरफ का सर दुखता है, या सिर्फ पीछे की तरफ का सर दुखता है, तो उसे हम माइग्रेन कहते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन है तो भी आप रिस्क में है कि आपको बीपीवी भी हो सकता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो तो, ठीक है, और अगर आपका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ हो तो, कॉकलियर क्या करता है, हियरिंग लॉस जो होती है कंडीशन वो कॉकलियर में ही होती है, वो उसमें साउंड के रिसेप्टर्स होते हैं, हियरिंग रिसेप्टर्स होते हैं, तो अगर उसका इम्प्लांट हुआ हो तो, दूसरा कॉकलियर लगा हो तो, ऐसे लोगों में भी रिस्क होता है कि उन्हें बीपीपीवी हो सकता है। फिर आता है हमारा इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हो तो भी आपको बीपीवीवी के रिस्क होते हैं होने के। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम। जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं बीपीवीवी के वो क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिम्टम होते हैं कॉमनली बहुत कम मिनट्स के होते हैं, बहुत कम सेकंड्स के होते हैं। एपिसोड जो आता है हमें बीपीपीवी का वो कुछ मंथ्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद रिजॉल्व हो जाता है, बट किसी किसी में ये काफी लंबे टाइम तक भी बना रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अब हम ये देखते हैं। तो पहला जो आता है, पहला आता है हमारा स्पिनिंग सेंसेशन, यानी कि बहुत तेजी से चक्कर आना और हम गिर जाएंगे, हमारा बैलेंस चला जाएगा, ऐसा सेंसेशन फील होना। जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है ये, उसे हम पैरॉक्सिमल कहते हैं, ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स का होता है, यूजुअली ये जो होता है 60 सेकंड का होता है। दूसरा ये पोजिशनल ऑनसेट होता है, यानी कि जैसे ही हमारे हेड की पोजीशन हम चेंज करेंगे वैसे ही हमें ये स्पिनिंग सेंसेशन आता है, इसमें हमें जी मचलाने जैसे सिम्टम्स भी आते हैं। ठीक है, फिर आता है विजुअल डिस्टरबेंस। विजुअल डिस्टरबेंस में क्या आता है, हमें देखने में और सुनने में एक अलग सा डिस्टरबेंस महसूस होता है, पहले
देखने में, विजुअल डिस्टरबेंस में देखने में डिफिकल्टी होती है, पढ़ने में डिफिकल्टी होती है अटैक आने के टाइम पे, और एक इनवॉलेंट्री रैपिड और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है हमारी आईज का, ठीक है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बेहोश हो जाएंगे या फिर हम बेहोश हो भी सकते हैं। वॉमिटिंग इसमें अनकॉमन है, बट पॉसिबल है कि वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। तो विजुअल डिस्टरबेंस के कारण हमें या तो बेहोश होने जैसी कंडीशन महसूस होती है, या हम बेहोश भी हो सकते हैं, या फिर हमें डिफिकल्टी होती है रीड करने में, ठीक है। अब आता है लॉस ऑफ बैलेंस सिस्टम, ठीक है। अब बैलेंस सिस्टम में क्या होता है? तो माइल्ड जो सिम्टम आता है बैलेंस का, उसमें इन कंसिस्टेंट पोजिशनल वर्टिगो होता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट पोजिशनल वर्टिगो जो होता है वो माइल्ड स्टेज होती है इसकी, वर्टिगो की या बीपीवी की, जो कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, ठीक है, रिजॉल्व हो जाती है टाइम के साथ। जो मॉडरेट होती है हमारे लॉस ऑफ बैलेंस का सिम्टम, वो फ्रीक्वेंट पोजिशनल वर्टिगो अटैक जब आते हैं हमें तब होती है। जिनको बहुत रेयर अटैक आते हैं उनको माइल्ड कंडीशन होती है, जिनको फ्रीक्वेंट पोजिशनल वर्टिगो अटैक आते हैं उन्हें मॉडरेट होती है। इसमें क्या होता है, वर्टिगो के अटैक के टाइम पे हमारा जो बैलेंस होता है वो चला जाता है। आप जैसे ही हेड का मूवमेंट चेंज करेंगे तुरंत ही आपका बैलेंस चला जाएगा, और आपको अगर फ्रीक्वेंटली पोजिशनल वर्टिगो आते हैं तब भी आपका बैलेंस जो है वो डिस इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा, यानी कि बैलेंस चला जाएगा। सीवियर वर्टिगो जो होता है ये एसोसिएट करता है हेड के मूवमेंट के साथ, जो कि एक कंटिन्यूअस वर्टिगो में कन्वर्ट रहता है। आप जरा सा भी हेड का मूवमेंट करेंगे तो वो एक कंटिन्यूअस वर्टिगो की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सीवियर वर्टिगो, जिसमें हमारा जो मूवमेंट है हेड मूवमेंट उसके साथ ये वर्टिगो एसोसिएट करता है, ठीक है। अब जो बीपीवी का सिम्टम जो इंडिविजुअली जो लोगों में देखने को मिलता है, वो या तो कुछ दिनों का होता है, कुछ वीक्स का होता है, कुछ मंथ्स का होता है, और कुछ इयर्स का होता है, उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ज्यादा लंबे समय तक का नहीं होता है, कुछ दिन का, वीक्स का या मंथ का होता है। अब हमें इसमें निस्टैग्मस जो साइन मिलते हैं, निस्टैग्मस मतलब होता है हमारे आई मूवमेंट जो होते हैं बहुत रैपिड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, तो इसमें हमें रोटेटरी निस्टैग्मस देखने को मिलता है। रोटेटरी निस्टैग्मस मतलब होता है कि हम इसमें जो हमारा आई बीटिंग है वो कैसा रहेगा, अप बीटिंग निस्टैग्मस, ठीक है। अप बीटिंग निस्टैग्मस में वो कंडीशन होती है जो हमारी आई होती है वो डाउनवर्ड चली जाती है और अपवर्ड करेक्ट करने के लिए चली जाती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेक्ट करने के लिए। आई बॉल नीचे गई तो वो डाउनवर्ड हुई, उसको सही करने के लिए वो अपवर्ड चली जाती है, तो इसमें हमारा अप बीटिंग निस्टैग्मस मूवमेंट हो जाता है, एक रोटेटरी निस्टैग्मस मूवमेंट बनता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, बीपीपीवी यानी कि बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, ठीक है, जिसमें हमने आज देखा कि हमारा जो ईयर है वो कितने पार्ट का होता है, और इसमें जो हमारा इनर ईयर है वो हमारे बैलेंस को देखता है। इनर ईयर में डिफिकल्टी के कारण ही हमें बीपीपीवी होता है, ये वर्टिगो का एक टाइप होता है। इसके कॉज देखे, इसका रिस्क फैक्टर देखा, और इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया हो, ये आपको हेल्दी और फिट रखे। थैंक यू सो मच।